नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट, जिसको सुखोई 30 MKI से कई बार टेस्ट किया जा चुका है और ये अब तक ट्रायल्स में था, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्रह्मोस के एयर वेरियंट को ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और इसे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI पे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया है। तो जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी अब रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर हो चली है, और ये 450 किलोमीटर, इससे पहले ये रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन जैसे ही MTCR के साइन करने के बाद इस रेंज को इम्प्रूव किया गया है और अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 42 Su-30 MKI को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि वो ब्रह्मोस को कैरी करने में सक्षम हो। वहीं पे ब्रह्मोस के साथ साथ तकरीबन 4 RVVAE R-77 एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसको भी कैरी करेगा, और साथ में 2 R-73 एयर टू एयर मिसाइल भी शॉर्ट रेंज की कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि ये सारे मिसाइल्स ये ब्रह्मोस के साथ कैरी करेगा। और इतना ही नहीं, जब ये ब्रह्मोस और 4 R-77 और 2 R-73 कैरी कर रहा होगा, तो उसी दरमियान ये तकरीबन 250 kg के बॉम्ब भी कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि इस तरह के 6 बॉम्ब ये कैरी कर रहा होगा। तो ब्रह्मोस के एयर वेरियंट को IAF में ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज कर देना IAF की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने जा रहा है, और इस तरह के म्यूनिशन किसी भी फाइटर जेट पे आ जाने की वजह से जो कंट्री ये कैरी कर रहा है उस कंट्री के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है कि वो स्टैंड अप डिस्टेंस से अपने एडवर्सरी के जो भी मेन इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट कर सके, चाहे वो इंस्टॉलेशन कोई मिलिट्री बेस हो, स्टोरेज हो या आर्मरी हो। तो इस तरह के डिफरेंट टारगेट को किसी वॉर से पहले आप अपने एयर स्पेस में रह के डिस्ट्रॉय कर सकते हो, अगर इसकी रेंज 450 किलोमीटर है तो, जो कि एक बड़े एडवांटेज के रूप में देखा जा रहा है। और इस तरह के टारगेट को हिट करना और स्पेशल इसलिए बन जाता है कि ब्रह्मोस ये काम एक कम टाइम में करने में सक्षम होगा, क्योंकि इसके पास 2.8 मार्क की स्पीड के साथ साथ बहुत एक्यूरेट प्रिसीजन वैल्यू है। और आने वाले दिनों में ये जो 42 Su-30 MKI मॉडिफाई हो रहे हैं ब्रह्मोस के लिए, उनको ब्रह्मोस NG से भी लैस किया जाएगा, जिसमें वो तकरीबन 2 ब्रह्मोस NG और 1 ब्रह्मोस कैरी करने में सक्षम होंगे। तो दूसरे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी को लेके। तो जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी को तकरीबन 1.8 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड किए जाने थे, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लास्ट ईयर ही इंडिया की ही एक कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था मैन्युफैक्चर करने के लिए तकरीबन 1.8 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसमें से ऐसी खबरें आ रही है जो कि SMPP प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आ रही है, और उनका मानना यह है कि उन्होंने तकरीबन 40,000 इस तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि अभी कश्मीर वैली में तैनात हैं। और जो भी इनका ऑर्डर था 1.8 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड करने का, वो 2021 तक कंप्लीट होना था, लेकिन यहाँ पे जो SMPP कंपनी है वो काफी होपफुल है कि ये ऑर्डर्स 2020 के अंत तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उनका मानना ये है कि इस तरह के जैकेट वो कश्मीर में तैनात हैं, उनको एंटी टेरर ऑपरेशन करने में हेल्प करने जा रहे हैं, और ये जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये किसी भी AK-47 द्वारा फायर किए गए स्टील म्यूनिशन को अपने ऊपर लेने में सक्षम है। वहीं पे यही कंपनी कुछ बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी बना रही है, जो कि ऐसी उम्मीद है कि CRPF को दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।